हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है छंद में चौपाई छंद चौपाई छंद को आपको क्या पढ़ना है कैसे लिखना है ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है और इसके उदाहरण की मात्राएं कैसे काउंट करनी है ठीक है तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखना है स्टूडेंट जो उदाहरण है तो लिखना ही है साथ में इनकी मात्राएँ भी लिखना है ताकि क्लियर हो जाए कि इसमें कितने मात्राएँ आपके एग्जाम्पल सही हैं तो सबसे पहले चौपाई छंद में आपको इतना याद रखना है कि इसमें चार चरण होते हैं कितने चरण होते हैं चार चरण होते हैं और इसमें सोलह सोलह मात्राएं पेपर में ये कभी मिस्टेक मत करना इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि यह एक सममात्रिक छंद है इसके प्रत्येक मतलब चरण में सोलह मात्राएं होते हैं और टोटल चार चरण होते हैं तो तीन चीजें इसमें हैं केवल तीन ही, के ही चीज आपको याद करना है कि चौपाई एक कैसा है, है। तो सममात्रिक छंद है इसमें प्रत्येक भाग में सोलह मात्राएं होती है हैं और टोटल कितने भाग होते हैं चार भाग होते हैं मतलब टोटल चार चरण होते हैं ठीक है इतना तीन चीज आप याद कर लो बस कि चौपाई एक समात्रिक छंद है इसके चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएं होती है बस इतना कंप्लीट कर लो ठीक है ना चलिए अब यहां पर लास्ट में लिखा कि चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है अब ये जगड़ तगड़ क्या है भाई यमाता राजभान सलगा एगड़ मगड़ तगड़ झगड़ जगड़ भगड़ ठीक है नगड़ सगड़ ये सारी चीजें आठ जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझाया था तो यहां पर स्टूडेंट क्या कहा है? जगड़ जगड़ का मतलब होता है अति मतलब लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु ये चीज मैंने समझाया था और यहां पर तगड़ तगड़ का मतलब होता है स्टूडेंट दीर्घ दीर्घ लघु ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है बस आप यहां तक याद कर लो एक सममात्रिक छंद है इसके चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएं होती है इतना लिख दोगे काफी है उदाहरण देखो उदाहरण है बंदव गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुराग ठीक है आगे आमी, मूरी में शमन सकल भाव, रुज परिवार अब इस एग्जाम्पल में आपको कैसे प्रूव करना है कि टोटल कितने होते हैं टोटल सोलह होते हैं तो सभी में काउंट करता हूं सबसे पहले, पहले पहला आपका जो चरण है बंदव गुरुपद पद्म परागा तो यहां पर बंदव लिखा है देखिए बंदव अब बन ये दीर्घ स्टूडेंट क्या है दीर्घ तो ऊपर काउंट करता हूं देखिएगा ऊपर काउंट करके लिखता हूं ये दीर्घ है क्या है दीर्घ को एस ये मतलब एक सिंबल होता है और ये लघु है तो लघु को एक खड़ी पाई के रूप में ये दल लघु हो गया गुरु दोनों लघु लघु हैं तो ये हो गया टोटल सोलह होना चाहिए पद ये भी लघु ये भी लघु तो ये हो गया लघु यहां पर ये लघु स्टूडेंट तीनों लघु हैं ठीक है ये भी लघु है लेकिन ये दीर्घ और ये दीर्घ है तो दो क्या है दीर्घ है ठीक दीर है ये दीर्घ है स्टूडेंट अब इसको काउंट करो टोटल काउंट करके बताओ कितना है तो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टोटल देख सकते हैं सोलह दीर्घ में दो होता है लघु में एक होता है ठीक अब देखो सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा तो इसमें देखिए सुरुचि देखिए सुरुचि यानी आपके पास है, सु का क्या है छोटा सु है तो लघु हो गया और यहाँ पर छोटा रू है तो ये भी लघु और ची ये आपका लघु तीनों लघु हैं सुबास तो देखिए लघु बड़ा बा है तो दीर्घ फिर छोटा सा है तो सुबास तो लघु दीर्घ लघु यहाँ पर तीनों लघु ही हैं देख सकते हैं ठीक फिर आगे देखें अनुराग ये लघु है ये लघु है ये, ये दीर्घ है ठीक है और ये भी दीर्घ है काउंट करो टोटल कितना आ रहा है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एरह बारह चौदह पंद्रह सोलह देख सकते हो सोलह आ गया ठीक है इसी प्रकार इन पे देखिए छोटे छोटे हैं आमी है ठीक है में ये दीर्घ है फिर लघु 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 मतलब दीर्घ लघु लघु चारू स्टूडेंट यहां पर ये दीर्घ हो गया और यहां पे ये दीर्घ है अब इसको काउंट करो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह पंद्रह सोलह ठीक टोटल, कित तो टोटल कितने हो गए सोलह हो गए टोटल कितने हो गए सोलह हो गए कंप्लीट चलिए आगे देखिए भैया शमन सकल भव रुज परिवार लघु 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 है फिर लघु 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 फिर लघु लघु यहां भी लघु यहां भी लघु यहां भी लघु यहां भी लघु ये दीर्घ और ये दीर्घ टोटल देखो कितने हो गए तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह सोलह देख सकते हो टोटल कितने हो गए सोलह तो प्रत्येक चरण में स्टूडेंट आपने देखा कितना मात्रा प्रत्येक चरण में सोलह मात्रा है तो बस आपको इतना ही तैयार करना है कि चौपाई एक सम मात्रिक छंद है इसके प्रत्येक भाग में सोलह मात्रा होती हैं ठीक है ठीके? और टोटल कितने भाग होते हैं चार भाग यानी चार चरण होते हैं तो ये महत्वपूर्ण है और चौपाई आप लोग अच्छे से तैयार कर लो ठीक है इसी प्रकार जो भी आपसे छंद ना बनता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपके लिए ऐसे वीडियो ला दूंगा कोशिश करता हूं कि इजी एग्जाम्पल लूं आपको समझ में आ जाए आप किसी भी क्लास में हैं आपको तैयार करना तो विधि तैयारी कर सकते हैं तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यदि आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेलाइकन भी प्रेस कर लीजिए ठीक है जय हिंद वंदे मातरम